लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस की निगाहें अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं और 2027 में चुनाव में भी प्रदर्शन बेहतर करने के लिए कांग्रेस अपने संगठन को विस्तार देने की तैयारी में है। जल्द ही कांग्रेस की जिला और ब्लॉक इकाइयों में से उन चेहरों की छुट्टी हो सकती है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में इस पर बात हुई थी और जल्द ही इस दिशा में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कांग्रेस 2027 के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है? बात की जाए कांग्रेस की, तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बड़ी बम्पर जीत हासिल की है और यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई है और इंडिया गठबंधन के साथ जिस तरीके से यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है अपने पदाधिकारियों को, जो पदाधिकारी कांग्रेस के पदाधिकारी थे जिनका खराब प्रदर्शन था, कहीं कहीं देखा जाए तो उनको बाइकाट कर रही है पार्टी से। और दूसरी चीज बता दें कि कांग्रेस की जो अगली रणनीतियां हैं, खास करके 2027 को जो विधानसभा का चुनाव होना है खास करके उत्तर प्रदेश में और 2025 में चुनाव होना है बिहार में, कहीं कहीं देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है बहुत मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर अपनी अहम रणनीति बना रही है खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। जी राजेश, कहा जा रहा है कि जिन नेताओं ने सही काम नहीं किया, जिन्होंने जीत हासिल नहीं की, उनकी छुट्टी हो सकती है, इस पर क्या है? बिल्कुल सपना, अगर बात की जाए उन नेताओं की, जिन नेताओं ने खास करके इस लोकसभा के चुनाव में जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं था, अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, उन सारे नेताओं की कांग्रेस यहाँ से छुट्टी करने वाली है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उनको बाहर का रास्ता जल्दी ही कांग्रेस दिखाएगी, जिन नेताओं का, जिन पदाधिकारियों का बेहतर प्रदर्शन नहीं था लोकसभा के चुनाव में। जी राजेश, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या प्लान कर रही है? देखिए, अगर सपना बात करें कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए, कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से, खास करके अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़त बनाई है, तो कहीं कहीं देखा जाए उन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस अपने संगठन को बूथ लेवल पे जाके अपने संगठन को मजबूत करना चाह रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि गठबंधन के साथ में कांग्रेस अब जो है आगे बढ़ेगी और खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन के साथ में बढ़ेगी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि बूथ कमेटी के लेवल पर जाकर अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेगी विधानसभा के चुनाव के लिए। जी ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।